गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7th विषय हिंदी, आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम संधि को करेंगे। तो दो वर्णों या अक्षरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब है प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, पहले नंबर पे है स्वर संधि, दूसरे नंबर पर है व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर है विसर्ग संधि। तो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि की परिभाषा, उसके बाद हम सिलेबस के अनुसार दो संधियों को करना है। उसमें हम करेंगे दीर्घ संधि और गुण संधि, बाकी संधि पेपर में नहीं आएगी। तो स्वर संधि की परिभाषा है, स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे विद्या प्लस अल्य। तो बच्चों, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? विद्यालय।
सेकंड एग्जांपल है रमा प्लस ईश। तो ये दोनों मिलकर बच्चों क्या बनती हैं, रमा प्लस ईश से रमेश। एक बार फिर देख लो बच्चों, दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। प्रकार संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि की परिभाषा। स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अल्य क्या बनते हैं, विद्यालय, और रमा प्लस ईश क्या बनते हैं, रमेश। बच्चों अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है, जब दो स्वर्ण स्वर पास आकर एक दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, तब दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या बन गया बच्चों, विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र मिलकर क्या बन गए बच्चों, रविंदर। अब ऊपर देखो, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी है, तो इसमें द्या क्या है, आ प्लस, और ये स्वर क्या है, ए। तो बच्चों देखो, आ और ए मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। दूसरा है रवि प्लस इंद्र, तो क्या बनता है, रविंदर। तो इसमें यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, और यहाँ भी क्या है, वे को छोटी की मात्रा है, तो यहाँ छोटी, और यहाँ भी क्या है, छोटी ई है। छोटी ई और छोटी ई बनकर क्या बनते हैं, बड़ी ई। तो आगे हम देखते हैं, गुण स्वर संधि। ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आवे तो दोनों के मेल से
ए हो जाता है जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र मिलकर बच्चों क्या बन जाते हैं? देवेंद्र। ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आवे तो दोनों के मेल से हो जाता है। जैसे पर प्लस उपकार, बच्चों देखो पर प्लस उपकार मिलकर क्या बन जाते हैं? परोपकार। तो बच्चों एक बार फिर देख लो, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसका एग्जाम्पल देखो, विद्या प्लस अर्थी क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया। तो आ प्लस ए मिलकर क्या बन जाते हैं? आ बन जाते हैं। यदि ए प्लस ए होगा तो भी वो क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। और आ प्लस आ होगा तब भी वो क्या होंगे? आई बनेगा। दीर्घ स्वर स्वर संधि है। जैसे ये है रवि प्लस इंद्र, तो क्या बन गया? रविंद्र बन गया। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनगी? बड़ी ई। इसी प्रकार से हम देखते हैं गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि में जैसे ए या आ के बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? ए बन जाता है। जैसे दे प्लस इंद्र क्या बन गया? देवेंद्र। तो यहाँ पे वह किससे मिलके बना है? वह और ऐसे मिलके। तो ये क्या है? स्वर है, छोटी ई है। ए प्लस ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए। इसी प्रकार से ए या आ के बाद ऊ या ऊ आवे तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण है पर प्लस उपकार है तो क्या बन जाएंगे? परोपकार। ए प्लस ऊ मिलकर क्या बन गए? ओ बन गए। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, आगे बच्चों सेकंड नंबर पे देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चों?
जगदीश, सेकंड नंबर पे है उत्त प्लस ज्वल, मिलकर क्या बन जाएंगे? उज्ज्वल। आगे हम तीसरे नंबर पर देखते हैं विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जैसे मन विसर्ग प्लस योग, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? मनोयोग। और सेकंड नंबर एग्जांपल है नी विसर्ग प्लस चित, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? निश्चित। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल है सरोज, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सर विसर्ग प्लस जय, क्या बन गया? सरोज। तो बच्चों एक बार फिर देख लो, व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश मिलकर क्या बनते हैं? जगदीश। उत्त प्लस ज्वल मिलकर क्या बनते हैं? उज्ज्वल। तीसरे नंबर पे विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस योग, मन के आगे देख लो विसर्ग है प्लस योग, क्या बनते हैं? मनोयोग बनते हैं। नी प्लस चित मन मिलकर क्या बनते हैं? निश्चित। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल में है सरोज, तो इसमें सर प्लस जय इसका संधि विच्छेद है सरोज का। तो बच्चों ये हिंदी वाली नोटबुक में व्याकरण वाली में साफ साफ राइटिंग में कर लेना और इसको याद भी कर लेना। धन्यवाद।